ਕੋਟ ਕੁਣ ਦੇ ਗਾਤ ਬੂਨੀ ਸੀ ਟੋਟੇ ਕੀ ਜਲੋਸ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਣੀਆ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਲੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਸੁਭ ਕਰਮਾ ਕਾ ਤੈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਫਲੋਸ ਹੈ ਔਰ ਉਤਨਾ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਤਨਾ ਗਾਵਣੀਆ ਕਾ ਗਲੋਸ ਹੈ ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਾ ਨਫਾ ਕਰਮ ਗਾਉਸ ਹੈ ਤਨਾਵ ਲਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ जिक्र पशुओं की पशुपालन विकास मंच चैनल पर की तरफ सारे भाई राम राम भाई आज पहुंच गए गांव बखेता जला रोहतक गोर्ड बखेत्ता बोलिया जाता है भाई बखेता गांव में पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक है अपना सोनीपत और रोहतक रोड जो है यो अमायुपुर से तीन किलोमीटर की दूरी पर गाँव पड़ता है तो मनजीत भाई के पास में पहुंचे हैं तो बार-बार स्वागत है मनजीत भाई का पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पे मनजीत भाई राम 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 भाई एक बार दर्शक ने राम राम करते राम राम भाई सारे भाई ने और ठीक हो भाई साहब ठीक भाई साहब मनजीत भाई अपना गाँव मैंने बता दिया बखेता जला रोहतक में भाई जी। तो भाई इससे आगे जो अपना सरसाना गाँव आ जाए जो सोनीपत जिले में लग गया भाई जी। तो कितने पशु हैं भाई अपने पास मेरे पास छह मैसे भी अच्छा। एक या कटिया दो बच्चे अच्छा भाई सेल परचेज का काम करो दूध का या फिर ब्रीड पर काम करो बस भाई दूध का दूध अच्छी लागू देना देना दूध बेचेंगे भी तो आज की वीडियो में जो पशु दिखाओगे भाई वे क्या पशु हैं वह या, अच्छा, तो या जो कटड़ी है वही है सामने जो बहस है जानकारी ले लिया ले, है पूरी पूरी जसवीर भाई कैमरा लगाओ भाई तो भैया जो बहस है अपनी मंजीत भाई इसके बारे में बताओ कौन सा ब्याह था इसका, इसका? तीसरा ब्याह है भाई जी तीसरी बार बच्चा देगी बार देगी भाई तो भैया अपनी घर की पाली है खरीद के लाए थे आप खरीद के लाए थे भाई जी कहाँ से खरीदा भाई आपने मोनवीर कुंडू के पास से खरीदी मोनवीर कुंडू गांव टेटोली अपनी पहचान है में। तो मोनवीर भाई से इसने दूसरे खरीदा था हाँ भाई जी तो मंजीत भाई दूसरे ब्यांत में जब आप इसने खरीद लेकर आए या गब थी या फिर भाई या बैरी डेढ़ दो महीने की कितना दूध आप माप के लेकर आए थे इसका बाईस किलो माफ थे बाईस किलो

वे बहुत ज्यादा आज भी अपना पशुपालन में एक अलग नाम कमाया है सुल्तान बुल के जो भी बच्चे आए हैं कटड़ी आई हैं तो ये प्रेग्नेंट है भाई सुल्तान बुल से सब जानते हैं भाई।, भाई सुल्तान बुल के बारे में तो भाई साहब अब कई दिन बाकी है इसकी आज वीडियो हम जो इसकी कवर कर रहे हैं इसका 31 तारीख में टाइम पूरा हो जाएगा भाई और आज हम वीडियो बनाने लग रहे हैं भाई 28 जनवरी 2022 में हां भाई तो भाई इकतीस जनवरी को इसका पूरा हो जाएगा टाइम भाई भाई इकतीस को पूरा उसके बाद में भी, आ सके भाई।, आ, भी आ भाई।, तो भाई। भाई। भी तो भाई बाईस लीटर दूध आप एक महीने की बाईस तो नहीं, नहीं निकल मेरा घाट निकल रहे फिर आगे अच्छा आप थोड़ा पक्की ब्याई होगी जी फिर किसान भाई हो अगर आपका पशु पंद्रह ना आता हो बार बार फिरता हो कम दूध देता हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्री डाइट खिलाओ समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा न्यूट्री डाइट को आप हरेक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं और हाँ इसे आप ऑनलाइन भी अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अस्सी पाँच सौ पचानवे सैतीस हजार आरोप संपर्क करें तो आपके कितना कम कर दिया भाई बीस साढ़े बीस किलो मेरे पास निकल लिया बीस साढ़े बीस भी निकाल भाई मोनवीर भाई ने जो जानकारी दी उसमें भी कोई दोरा नहीं नहीं, तीन, थोड़ा तीन, थोड़ा तीन हाँ, जगह चेंज होती है तो पशु स्ट्रेस में भी आता है थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो फिर बीस साढ़े बीस भाई ने बताई है इतना कम कोई ज्यादा कम नहीं होता भाई कई बार हम किसी भाई ने दे बाईस लीटर माफ कर दें और वह पंद्रह सोलह पे दे उस नाम धोखा कह मंजित भाई गलत तो नहीं है भी लेकिन भाई बीस अड्डे बीस में और बाईस में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता तो बहुत अच्छे बढ़िया पशु दिया है भाई को तो मंजीत भाई अब इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई सेल करने के के बारे में चार बना भाई आपने इसने घर पर रखोगे या इसने सेल करोगे भाई, भाई अच्छी कीमत लग गई इधर सेल कर देंगे अच्छी कीमत तो भाई देखो आपने अच्छा पशु आपके पास तो दो चार ग्राहक आए भी होंगे आपके पास में भाई तो मंजीत भाई भी इसकी बात कर लेते हैं सेल करने की भाई इसकी कीमत बताओ कीमत क्या रखी है आपने इसकी ये दो शॉट है भाई भाई साहब इसमें कोई गुंजाइश भी है भाई बस को भाई दूर ता था तो थोड़ा दर्श मानो उसका है ना तो कोई गुंजाइश नहीं ना दर्शन दो लाख साठ हजार रुपये भाई मंजीत भाई ने कीमत बताई है तो भाई मंजीत भाई आपने बताई बाईस लीटर दूध निकाल लिया इसने दूसरे बात में हाँ भाई तीसरे बात में क्या उम्मीद लगा रहे हो आप भाई उम्मीद तो ऊपर की है

दूध बताओ भाई बीस साढ़े बीस मेरे घर पे निकाल लिया के ना बाईस तेईस दे देगी और भाई आप जो भी भाई ख़रीद देगा वो आपने देखना भाई पशु की कितनी कीमत हो सके है क्योंकि ना तो भाई हम भी जबरदस्ती नहीं कर सकते भाई के साथ और आप भी नहीं कर सकते जो कीमत भाई ने बताई है अपने हिसाब से कुछ भाई जायज़ बताई है गलत बताई है वो आपने सोचना भाई तो मैं तो एक चीज़ कहूँगा भाई जो भी अपना काम होता है वीडियो में रेट मंगवाने का भाई जायज और ना जायज देखना आपने पशुपालक ने भाई कितने ज्यादा है कितने कम है उस चीज का अंदाजा लगाना आपने हमारी कोशिश रहती है भाई मौके पे ना हो भाई कई भाई कहते हैं भाई बहुत बढ़िया जोटी आप उम्मीद लगा रहे हो दो लाख में मिल जाएगी और भाई बाई हैं भाई पशुपालक के मौके पर बताओगे भाई और अरे मौके पर जाकर चार लाख मांगे तो वो चीज़ हो जाए गलत है तो हमने वीडियो में रेट खोलवाने की ये सोच इसलिए रखी है भाई जिस जो भी चीज है भाई वो आपको सामने पहले ही पता चल जाए इसकी कीमत है दो लाख साठ हजार भाई ने बताई है तीसरी बार में आप बच्चा देगी तो भाई जो भी भाई खरीदना चाहिए तो सीधा संपर्क कर ले मंजित अठानवे सत्रह पूरा नौ सौ सो पान सो छियालीस अठानवे सत्रह पूरा नौ सौ पान सो छियालीस ये अपना भाई का मंजीत भाई का फोन नंबर है और गाँव है भाई का बखेता जिला रोहतक में जो भी भाई जो ने खरीदना चाहे देखिए सीधा अपना भाई से संपर्क कर ले। और रोज ऐसे ही वीडियो रहेंगे भाई आपको। अच्छा, इसकी जो पिछले बात की कटड़ी है कितनी उम्र होगी भाई साहब या तेरह महीने की होगी तेरह महीने की हो चुकी है ये भाई तो या कौन से बोल की है भाई अगर आप पता नहीं

और बाइस में माफ के लेके आया हूँ तो भाई एक दुधारू पशु की जो बेटी है तो भाई देखिए आप नंबर भाई का स्क्रीन पर हमने दे दिया है जो भी खरीदना चाहता हो सीधा संपर्क करें मंजीत भाई भाई से और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो भाई कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं कोई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो भाई चैनल सब्सक्राइब करियो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें भाई क्योंकि देखिए देखिये एक वीडियो कोशिश करते हैं आपके सामने एक निष्पक्षता से बनाने की पूरी पूरी कोशिश रहती है राम राम सारे भैया ने जय हिंद जय जाए भारत जय जवान जय किसान जय की मंजित भाई राम राम करते आप भी राम राम भाई